बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हल्दी के हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद। हल्दी में कुदरत ने बेशुमार अमराज के लिए शिफा रखी है। हल्दी आंखों की बिनाई को तेज करती है, आंखों की जुमला बीमारियों में मुफीद है। हल्दी बड़े हुए पेट को कम करती है। हल्दी दिल के अमराज से तहफ़ुज़ फराहम करती है। हल्दी जहर चूसकर सूजन को ख़त्म करती है और तकलीफ फौरन ख़त्म हो जाती है। हल्दी का पाबंदी से इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। हल्दी खून को साफ करती है और जिगर की बीमारियों से महफूज रखती है। हल्दी दांत के दर्द में मुफीद है। मुतासरा दांत पर रख कर चबाने से अफाका हो जाता है। हल्दी गहरे से गहरे जख्मों को जल्द मुंदमिल कर देती है। हल्दी ब्रश यानी फलहरी के दागों को दूर करती है। हल्दी दिमागी अमराज से बचाती है। हल्दी यादाश्त को बेहतर बनाती है। हल्दी शुगर के मरज के लिए इंतहाई फायदेमंद है। हल्दी बलगम को दूर करती है और सीने को साफ करती है। हल्दी को पुराने सोजा के लिए 6 माशा सुबह शाम हमरा पानी खिलाना बेहद मुफीद है। हल्दी का इस्तेमाल गले की खराबी, खांसी और नज़ला जुकाम में 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से फौरी हफाका हो जाता है। हल्दी का इस्तेमाल यरकान में बेहद मुफीद है। हल्दी का इस्तेमाल जरियान में सुबह शाम 1 माशा पानी या दूध के साथ लेना इंतहाई फायदेमंद है। हल्दी का इस्तेमाल सोजिश का खात्मा करता है। हल्दी के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर मतवाजन रहता है। हल्दी का इस्तेमाल कैंसर के खुलियात की अफजाइश को रोकता है। हल्दी का इस्तेमाल जहनी दबाव को कम करता है और डिप्रेशन का कुदरती इलाज है। हल्दी का इस्तेमाल जिल्द की खूबसूरती और हुसन में इजाफा करता है। हल्दी जोड़ों के अमराज के लिए इंतहाई फायदेमंद है। हल्दी को कच्चे दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। हल्दी और दही का पेस्ट लगाने से हामला खवातीन के पेट पर पड़े निशानात खत्म हो जाते हैं। हल्दी फालज के बाद जिस्म को होने वाले नुकसान को ठीक करने में मददगार साबित हो सकती है। हल्दी का दूध के साथ इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।